नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। आज मेरा YouTube पर पहला वीडियो है और मेरा नाम संगीता पाटीदार है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो मैं YouTube बहुत टाइम से देख रही थी, लेकिन मैंने कभी हिम्मत ही नहीं करी YouTube पर अपना खुद का वीडियो बनाने के लिए। फिर जैसे जैसे मैं YouTube देखते गई, मैंने सोचा मैं भी अपनी लाइफ आप लोगों से शेयर करूँ। तो चलिए मैं आप लोगों से अपनी लाइफ शेयर करूंगी। आज से मैं अपना पहला वीडियो डालूंगी और मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल का नाम है संगीता का सफ़र। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपसे आज मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि दोस्ती हो या कुछ भी हो, कुछ फंक्शन हो, कुछ हो, मीठा जरूर बनाते हैं। तो मैंने आज शुरुआत करी है, तो मैं आज शुरुआत मीठे से करती हूँ। चलिए मैं आपके लिए हलवा बनाती हूँ। मैं हलवा गेहूं के आटे और गुड़ से बनाऊंगी। चलिए देखते हैं हलवे की रेसिपी। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है और इसे मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है। अब इस घी में हम गेहूं का आटा डालेंगे और इसे धीरे धीरे चलाएंगे। गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पे करके धीरे धीरे से चलाते जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक तरफ मैंने गर्म पानी रख दिया है, गर्म पानी हो रहा है हलवे में। जैसे ही ये सीख जाएगा, इसमें गर्म पानी डालेंगे। आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास दूध नहीं है, इसलिए मैं गर्म पानी डालूंगी। इसको धीरे धीरे से इस टाइप से चलाते रहिएगा। ये अभी पूरा वाइट दिख रहा है, धीरे धीरे ये अपना पूरा कलर बदल देगा, एकदम डार्क कलर हो जाएगा। चलिए मैं सेक लेती हूँ, फिर आपसे आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये हलवा कलर चेंज हो रहा है इसका। इस टाइप से आप भी देखिएगा, इस तरीके से देखिए, इसने पूरा अपना कलर बदल दिया। देखिए, दिख रहा है आपको, इसका कलर बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है। अब इस कंडीशन में गैस पानी वाला ऑफ करके ये गर्म पानी इसमें धीरे धीरे डालिएगा और धीरे धीरे इसको मिलाइएगा। ध्यान रखिए सीटे आपके ऊपर नहीं उड़े। इस टाइप से आपको लगे कि थोड़ा सा पानी और जाएगा इसमें, थोड़ा सा पानी डालिए और इसको अच्छी तरीके से मिला दीजिए। आपका आटा अच्छा छिका हुआ रहेगा तो कढ़ाई छोड़ देगा, बिल्कुल चम्मच के साथ घूमेगा। देखिए इस टाइप से, जैसे मैंने पानी डाला, आप चाहें उस समय दूध डाल सकते हैं। देखो छोटा कर्ची के साथ घूमने लगा है ना, इस टाइप में। अब मैं गुड़ काट के रखा था, ये गुड़ इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ। आप इस गुड़ की जगह पर शक्कर भी डाल सकते हो, आपको लगे तो आप शक्कर डाल लेना। लेकिन गुड़ सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं ज़्यादा गुड़ खाना पसंद करती हूँ शक्कर के बजाय। तो आपको जो लगे अच्छा आप वो डालिए।
और इस टाइप से अच्छे से मिला लीजिए। आप देखेंगे थोड़ी देर में गुड़ पूरा मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा गुड़। उस कंडीशन में आप इसमें काजू, बादाम, किशमिश, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो डालिए और अपने परिवार को खिलाइए। यह हलवा बहुत अच्छा होता है, ठंडों में लोग स्पेशल खाते हैं। देखिए इस तरीके से लीजिए, मैंने आज मेरी दोस्तों के लिए यह हलवा बनाया है। आप गैस ऑफ कर देंगे। लीजिए मैं आप सबको हलवा खिलाती हूँ, आप सब खाइए और जरूर बताइएगा ये हलवा आपको कैसा लगा। लीजिए ये हलवा मैंने आप सबके लिए बनाया है, प्लीज आप सब चखिए और मुझे बताइए कि ये हलवा कैसा लगा और इस रेसिपी को आप अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार में सदस्यों के साथ शेयर कीजिएगा और उन्हें बना के जरूर खिलाइएगा। दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं, इसलिए मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल संगीता के सफ़र को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड आप सब मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं और मैं जिस उम्मीद से यूट्यूब पर आई हूं उसे मैं पूरा कर सकूं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा और प्लीज़ एक बार फिर से मैं आप सबको बोलती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।